नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बना रहे हैं भरवा बैंगन। इस आइए देख लेते हैं इसके बनाने की विधि और इसकी सामग्री। भरवा बैंगन बनाने की सामग्री, बैंगन हमने करीब 500 ग्राम लिए हुए हैं और 500 ग्राम बैंगन हमने करीब छोटे साइजों में लिया हुआ है, जिससे बनाने में भी आसानी होती है और बढ़िया भी होते हैं। इसके लिए बैंगन हमने इस साइज के लिए, और बैंगन को जब लेते समय आप देख लें इसमें कीड़े ना लगे हों, और इन बैंगनों को हम धो के साफ कर लेंगे और इसके किनारे की जो इसमें लगी होती हैं ये हम काट लेंगे इस तरह, और इसका ऊपर का भी हम थोड़ा सा ऐसे काट लेंगे। फिर इसको बीच से ऐसे करके हम चीरा लगाएंगे बीच से इस टाइप से, और देख लेंगे इसमें कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, ख़राब तो नहीं है। और फिर इसके बाद हम यहाँ से ऐसे कट करते हुए बीच में हम इस तरह, इससे हमें दो फायदा है, कि होगा कि हमें दिख भी जाएगा कि बैंगन हमारा अंदर से कैसा है और ख़राब तो नहीं है, और मसाला भी हमारा अंदर से कायदे से भर जाएगा, जो खाने में बहुत ही टेस्ट आता है इसमें। इस तरह हम सारे बैंगन काट लेंगे। उसके बाद हम मसाले में हमारा रहेगा नमक रहेगा हमारा, सरसों का तेल रहेगा। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप अचार का तेल भी ले सकते हैं, और उसमें आप लहसुन रखेंगे, लहसुन इसमें हमारा ज़्यादा रहेगा, 2 से 3 चम्मच हमारा लहसुन रहेगा। इसको बारीक पीस लेंगे, और हमारा ये भरवा मसाले का हमारा जो हमने एक बार आपको बना कर बताया था आपको, ये हमारा करीब 2 से 2.5 चम्मच है हमारा। इसमें हम करीब 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और 1/2 चम्मच हमारा हल्दी रहेगा, और 2 से 3 चुटकी हींग रहेगा और पिसी खटाई। सबसे पहले इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन में हम ये हल्दी मिर्च और हींग पेस्ट, ये हमारा भरवा मसाला है हमारा, पिसी खटाई। पिसी खटाई भी आप अपने ले सकते हैं, जैसे आप खट्टा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम है तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा ये हम अचार का तेल ले रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम बैंगन लेके हाथ से इसको ऐसे करके हम भर लेंगे। इस तरह सारे बैंगन हम और बैंगन जब भी हम काटेंगे फटाफट इसको बना लेंगे, नहीं तो बैंगन अंदर से काले हो जाते हैं। इस तरह हम सारे बैंगन भर लेंगे। एक पैन हम गरम करेंगे और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। जब तक तेल गरम होता है, और ये बैंगन भी हम सारे भर चुके हैं और तेल भी हमारा लमसम गरम हो चुका है, तेल हमारा ही गरम हो चुका है। अब इसमें भरे हुए बैंगन डाल देंगे। ये भरवा बैंगन खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप इनको बना के करीब 5 से 6 दिन और इसमें जो हमारा मसाला बच गया था वो भी ऊपर से डाल दें। आप ये बैंगन बना के आप सफर में भी ले जा सकते हैं, जो कभी कई दिन तक खराब नहीं होते, और इसमें पानी तो होता नहीं और ये तेल नहीं पकते। अब इसको हम थोड़ा सा करके उसको ढक के पकाएंगे। अभी इसको हम पलट नहीं रहे, जब तक नीचे से तेल ये पकेगा हमारा तब तक इसको हम ढक देते हैं।
बैगन हमारे पक गए हैं, अब इनको हम चला लेंगे और लगभग बैगन ये बनके तैयार है हमारे। अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, बस ये इसको हम निकाल देंगे। लीजिए हमारे बैगन अब ये भून गए, अब इनको हम निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है हमारे ये भरवा बैगन, आप इसे बनाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर जरूर करें। लीजिए तैयार है भरवा बैगन, आप इसे बनाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।